हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। इस शताब्दी शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी की जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, भाई आपने ये वीडियो क्लिप देखी होगी। ये वीडियो क्लिप है भाई महाराज लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव, जो आजकल बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, और भाई उन्हें और भी डिपार्टमेंट और भी पोर्टफोलियोज मिनिस्ट्री के दे रखे हैं भाई नीतीश कुमार ने। अभी अभी भाई नीतीश ने गठबंधन किया है और फिर दोबारा से आरजेडी, जो भाई जलाओ पार्टी, दंगा पार्टी, लड़ाओ पार्टी और इस तरह की पार्टी है, उसी पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन कर लिया है। अब इस जो वीडियो क्लिप आपने देखी है उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो देखा आपने भाई, ऐसे अनपढ़ लोगों को डिप्टी सीएम बना दिया है। हालांकि ये बात सही है कि भाई लोकतंत्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है, राजनीति में कहीं लिखा हुआ नहीं है, संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई अनपढ़ आदमी मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन आज के जमाने में एक अनपढ़ आदमी को मिनिस्टर बना देना और डिप्टी सीएम बना देना अपने आप में अचंभे की बात लगती है। लेकिन आप जानते हैं भाई, जलाओ घिराओ लड़ाओ पार्टी है जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, भाई इसके कारनामे अगर आप देखेंगे तो वो कारनामे तो मैं आपको बाद में गिनवाऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम तेजस्वी यादव की स्पीच के ऊपर बात कर ले जो आपने वीडियो क्लिप में देखी है। आपने देखा भाई कैसे अटके हुए हैं, कैसे अटक अटक के पड़ रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि हो सकता है कि इस आदमी ने ईमानदारी से भाई प्राइमरी स्कूल की पांचवी क्लास भी पास ना की हो, लगता तो ऐसा है भाई। और यूं करने को इसके पास डिग्री भी हो सकती है भाई। यूं तो इसके बाप कहता था भाई, लालू प्रसाद यादव कहता था कि भाई किसी को पीएचडी करनी है तो वो बिहार में आ जाए, हम उसे पीएचडी की डिग्री देंगे आकर के बिहार में। तो वही है ईमानदारी से तो इस तेजस्वी यादव ने पांचवी क्लास यानी प्राइमरी क्लास भी इसने पास नहीं करी होगी, बस ऐसे स्कूल ने सर्टिफिकेट दे दिया गया होगा भाई। जब बाप भाई मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद भाई माँ मुख्यमंत्री, तो भाई अब क्या है, संयम है कोतवाल अब डर का है का। तो पांचवी क्लास का सर्टिफिकेट भी और आठवीं क्लास का सर्टिफिकेट भी ऐसे भाई स्कूल वालों ने डर के मारे दे दिया होगा। फिर मैट्रिक में नकल वकल करवा दी होगी, उससे आदमी पास हो गया होगा और आज इसे भाई डिप्टी सीएम बनाया है। ऐसा कोहिनूर निकाला है, ऐसा हीरा ढूंढ के लाया है नीतीश कुमार कि भाई इसको अनपढ़ को वहां का डिप्टी सीएम बना दिया है। दोस्तों आपने देखे होंगे स्पीच में दो शब्द, एक शब्द आ रहा था समक्ष यानी इन फ्रंट ऑफ, यानी ये शब्द आया था। तो इस बंदे से पढ़ी हुई स्पीच में से समक्ष शब्द इससे नहीं पढ़ा गया और उसमें कितनी देर अटका रहा है ये आदमी, इससे ही पता चलता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा होगा और भाई कितना पढ़ा लिखा होगा और आगे जाकर के कैसे नीतियां बनाएगा, कैसे जो नीतिगत पेपर्स हैं उनको कैसे पढ़ेगा, ये कैसे पता करेगा भाई इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। और इसी स्पीच में दूसरा शब्द था समृद्ध मींस प्रोस्पेरस, ये शब्द था। तो इस आदमी से समृद्ध शब्द भी पढ़ा नहीं जा रहा था, उस पर भी अटक गए 30 सेकंड तक और तब उसके बाद बड़ी मुश्किल से उस शब्द को पढ़ पाया। पढ़ पाया का मतलब उसका उखाड़ पाया उस शब्द को, बड़ी मुश्किल से दो शब्द उखड़े इससे, एक समक्ष और एक समृद्ध। और लास्ट में आपने देखा होगा पता नहीं कौन सा शब्द इसने बोला भाई, पता नहीं कौन सा शब्द बोला इसने, उसका कोई मीनिंग भाई मेरे को डिक्शनरी में मिला नहीं। तो आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे अनपढ़ लोगों को, ऐसे ऐसे अंगूठा टेक लोगों को
भाई मुख्यमंत्री बना रखा है, डिप्टी सीएम बना रखा है मुख्यमंत्री ने, तो देख रहे होंगे भाई बिहार का क्या होने वाला है। और वैसे भी आप देख रहे होंगे आपने कि बिहार में जंगल राज 2 यानी जंगल राज रिटर्न नंबर 2 आ गया है। देखा आपने शपथ लेते ही भाई शोरूम में हमला, गार्ड की हत्या, बैंक में गार्ड की हत्या, पत्रकार की हत्या, और आपने देखा होगा अभी एडीएम ने किस तरह उस बच्चे को पीटा था जो बेरोजगार था, जबकि 10 लाख नौकरियां देने का दावा कर रहे हैं। हालांकि उससे भी तेजस्वी यादव पीछे हट गया है कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाओगे तभी 10 लाख नौकरियां देंगे। और भाई उस पुजारी की हत्या मंदिर में, तो ये जो है भाई जंगल राज 2 रिटर्न हो गया है। और अब ये सरकार ऐसे ही चलेगी। और नीतीश क्या है भाई, नीतीश खेत की मूली है, 243 सीटों में से टोटल सीट उसने 43 जीती थी, 2 और आगे भाई ऐसे करके 45 जीते उसकी टोटल। इसीलिए आरजेडी जो कहेगी, तेजस्वी यादव जो कहेगा, वही भाई करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। और बिहार में जो कुछ भी अब तक विकास हुआ था उसका भी सत्यानाश होने वाला है। जितनी भी कानून व्यवस्था में सुधार हुआ था वो लॉ एंड ऑर्डर का भी सत्यानाश होने वाला है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। और चुनाव होंगे 2025 में, तो अभी 3 साल तो ये सरकार है और 3 साल में बिहार का भट्टा बैठने वाला है, बर्बादी होने वाली है बिहार की, मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।